तो पाजी आपने बड़े सारे ऐसे कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, जैसे धर्म पाजी हमारे वो पंजाबी हैं, हेमा जी साउथ से हैं, वैसे ही शिल्पा साउथ से हैं, राज पाजी पंजाबी। तो राज पाजी आपने कुछ वहां की लैंग्वेज में सीखा नहीं कुछ? इनके लैंग्वेज बोल सकते हैं आप? हाँ, अगर आपको अभी दोबारा शिल्पा को प्रपोज करना हो, सपोज आपकी शादी नहीं हुई है, इनकी लैंग्वेज में बोलिए आप। ये ना जीवा बारी पोडलू तो जुआ। इसका इसका मतलब क्या था वो भी समझा दीजिए। मैंने बोला यू आर माय लाइफ एंड यू आर लुकिंग वेरी सेक्सी। अच्छा, अरे वाह, वो कह रही है ब्लू। आप अगर इनको पंजाबी में बोलना हो यही बात तो तुसी भी बड़े सोने लग रहे हो। यहाँ तक कि अभी मैं पंजाबी गाना भी मैं सीख चुकी हूँ। अच्छा, गंदे गंदे पंजाबी बोल के बताओ थोड़ा सा, मैं माइक दूंगा। गंदे गंदे कुछ भी। I mean with due respect to पंजाबी songs, there's some really boring songs like कहीं जा रहे हैं हम लोग, अगर वक्त लग रहा हो ट्रैफिक में तो ये गाना गाते हैं। ये बोल खुल गया यार। मैंने कई बार देखा है ये गाना ना इतना पॉपुलर हुआ है, ये जेजी बी का गाना है हमारे दोस्त है। कई बार गाना लगा होता ना तो रिश्तेदार शादी में नाच रहे हैं ना, अपनी बहन की तरफ उंगली करके बोल रहे हो तेरा नाग सा, उस समय आदमी इतना रम जाता है। जैसे आपने पहला गाना बताया गड्डी जानी है छलांगा मार दी, मैंने याद है मेरे यार दी गड्डी छलांग कैसे मार सकती भाजी। अब गड्डी कोई ऐसे जाती देखी आपने? ऐसे कोई गड्डी नहीं जाती है ना, लेकिन लिखा जाता है। चलिए खैर, राजपाजी यहाँ पे जब आप आए नहीं थे तो बड़े सारे लोग बोल रहे थे शिल्पा जी आपके साथ डांस करना है। हाँ। अब बोल के दिखाओ। तो कुछ एक सवाल है जो लोग आपसे करना चाहते हैं, सो आप प्लीज जल्दी जल्दी से खड़का लो जरा। जी मैम। वेल राज सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है, शिल्पा जी तो अपने रियल लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है, पर आपके रियल लाइफ में उनका कौन सा रोल आपको बहुत बेहतरीन लगता है? आपका ऑप्शंस है शिल्पा as a wife, Shilpa as a mother, wow, Shilpa as a businesswoman, Shilpa as an actress, or Shilpa as your best friend. अरे वाह, oh very God, very what a question, very interesting question. What a question. अच्छा अगर सही जवाब दे दिया तो इनाम की राशि क्या है? और तो आपके ऑप्शन रहेंगे शिल्पा एक मम्मी के रूप में। जी सर, इनका क्वेश्चन मुझे बड़ा अच्छा लगा। खूबसूरत क्वेश्चन, इसका जवाब मैं भी जानना चाहती हूं। इट्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली, बिकॉज़ सारे ऑप्शन चॉइस में आते हैं, बिकॉज़ डेफिनेटली माय बेस्ट फ्रेंड फर्स्ट आई वुड हैव टू से, उसके बाद मेरी वाइफ, उसके बाद अ फैबुलस मदर, फैबुलस मदर, एंड बिजनेस वुमन, एंड एक्ट्रेस लास्ट। That's great. Thank you. घर की मुर्गी दाल बराबर। Thank you. शुक्रिया, thank you so much. अच्छा आप वैसे कहाँ से मैम? Because आपका accent काफी राज सर से मिलता है। I'm a trainer. I'm trainer in a BPO. Oh wow. So I train in accent. Maybe मेरा उसकी वजह से accent थोड़ा आ गया है। या मैं थोड़ा pretend करती हूँ। नहीं आते रहा करिए, हमारा भी ठीक हो जाएगा थोड़ा इसी बात पे। शुक्रिया मैम। Thank you. बैंगन 10 रुपए, बैंगन 50,000 रुपए किलो, गोभी 3,00,000 रुपए किलो। अबे इतनी महंगी सब्जी बेच रहा है तू, बिल गेट्स के बगीचे से लेके आ गया? देखो जी मेरी बात सुनो, ये महंगी है आपके लिए क्योंकि आपके पास है कुछ नहीं, उनके लिए थोड़ी महंगी है। आपको पता है उनके घर से कचरा उठाने 1.5-2 लाख रुपया डस्टबिन में से निकल आता है। ये गोभी आज मैंने 3,00,000 रुपए किलो बेचनी है। अरे मैं भूखी मर जाऊंगी। हाजी नहीं नहीं, आपको पता नहीं है, आपको पता है ये जो लौकी है ना, ये पहले बहुत मोटी होती थी, इसने आपकी योगा की सीढ़ी फॉलो की इसलिए ऐसी लग रही है। वैसे पाजी मैंने ना कभी देखा नहीं कि कोई बड़ी हीरोइन कभी सब्जी लेते हुए मोल भाव करते हुए। शिल्पा जी यहाँ बैठेंगे, प्लीज कैन यू बाय सम वेजिटेबल्स? ये ऐसे जाएगा नहीं। वैसे मैं सब्जी लेने तो जाती नहीं हूँ, लेकिन सारे बिल्स मेरे पास आते हैं मेरे घर पे, तो मुझे भाव पता है। टमाटर कैसे दिए? टमाटर जी मैंने ये 20,000 रुपए किलो। अरे मार्केट में तो 30 रुपए के हैं। और मैडम ये बंदे की औकात के हिसाब से लगाते हैं।
मुझे नहीं लगता भाई साहब आपका सब्जी बेचने का मोटर चली निकली है ऐसे। और मैंने सब्जी के बैंक में जमा करवानी है। ओके जी ओके, चलो ले लेते हैं। जान आपको कुछ खाना है? ये मेरे को क्या पूछ लिया आपने? आपसे नहीं बोल रही थी मैं, उनसे बोल रही थी, मेरे पति से। तो एग्जैक्ट लोकेशन देख के नहीं बता सकती आप? वैसे देखो राजकुंद्रा जी कितने खिले खिले से लग रहे हैं। अच्छा बीवी खूबसूरत हो ना तो हस्बैंड का चेहरा खिला खिला सा रहता है। हमें तो बीवी भी वो मिलती है जिसके मुंह पर मूछें निकली होती हैं। सही बात है शिल्पा जी, 10 मिनट बीवी का मुंह देखी जाओ बड़े भाई जैसी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। राजकुंद्रा साहब मुबारक हो आपको। किस लिए? सर जी मेरे से सब्जी खरीद रहे हैं आप, अभी भी पूछ ले किस रहे हैं जी। तो जान आपको कुछ खाना है, क्या लूं? अरे आप सब कुछ इतना अच्छा बनाते हो, कुछ भी बना लो। गोभी? हाँ गोभी। गोभी कैसा दिया? गोभी लिफाफे में डाल कर दिया जी। अरे गोभी का भाव क्या है? ओए 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 गोभी। देखो गोभी बोल रही है तो गोभी का फूल भी गुलाब का फूल लग रहा है। बिट्टू शर्मा पिज्जा ऑर्डर करते हैं, इनके घर में लोग सिंगारे दे जाते हैं। ज्यादा फ्रैंक मत हो, उनको भाव बना सब्जी का क्या है। वो भी क्या भाव लगाई बताइए मैडम को। इनके लिए तो 20 रुपए किलो। वो तेरा कोई दीन ईमान है कि नहीं? मैं तो लाखों रुपए में बेच रहा था। मैं तो बाजी इसलिए रेट कम कर रहा था क्योंकि औरतों की फितरत होती है कि रेट कम करवाना करवाना। लिपस्टिक 25,000 की ले लेंगी लेकिन टिंडे 30 से 25 करवाने करवाने हैं। ये बड़ी सही बात कही इसने आपको, पता ये बिल्कुल बड़ी सही बात कही है। हमारे बगल में रहते हैं, इनके 9 बच्चे हैं, इनकी बीवी भी हर जगह रेट कम कराती है। एक दोनों ट्रेन में गई, लोकल ट्रेन की टिकट कम करवा रही है, कहते भाई साहब ठीक ठीक लगा लो हमारे 9 बच्चे हैं। मेरे को लगता है आपका शो चल रहा है, उनका शोहर चल रहा है, मेरा काम नहीं चल रहा इसलिए मैं जा रहा हूँ। बदतमीज आदमी, सॉरी। सॉरी वो ऐसे कभी कभी आ जाते हैं हमारे लोग, हमारे बड़े घर तो है नहीं, खुली सड़क कोई भी आ जाते हैं। सर राज सर आपने मुझे ज्यादा पीछे नहीं पता लेकिन जब से मैं आपको देखता आ रहा हूँ टीवी पे, आपकी आईपीएल टीम है, आपका लंदन में बिजनेस है और भी बहुत सारे बिजनेस हैं जो हमें पता नहीं है, फिर भी मतलब शिल्पा शेट्टी आपकी वाइफ है लेकिन फिर भी कभी आपने सोचा था ऐसे कॉमेडी डांस में आने का मौका मिलेगा? यार बड़ा सिंपल है, मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ जी, तो अगर इस शो में 50% शेयर मिल जाता तो दे दो। क्या बात है।